के जो ब्राह्मणों के समकक्ष मुस्लिमों में समझे जाते हैं, या तो कश्मीरी पंडितों को लेकर उठाए जाते हैं कि उनको स्वतंत्रता मिल गई, उतना सरलीकृत मुद्दा नहीं है। कश्मीर में बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गुजर बकरवाल भी हैं, डोम जाति के भी लोग हैं। हाँ, जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं या तो कश्मीरी पंडितों को लेकर उठाए जाते हैं, जबकि वहाँ अच्छी खासी आबादी दलित जो तथाकथित हिंदू हैं, मैं तथाकथित हिंदू इसलिए बोलता हूँ कि दलितों को आउटकास्ट बोला गया है, वो पूरे हिंदू फोल्ड से बाहर हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से ताकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा दिखे और उनको हिंदुओं में गिन लिया जाता है, और इस तरह से उनको दोनों तरफ से, मुस्लिम भी उन्हें अपना नहीं समझते और हिंदुओं में भी वो जब मुद्दे आते हैं उन पर, उनकी समस्याओं और तकलीफ़ों को उठाने का मुद्दा आता है, तो सिर्फ हिंदू का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कश्मीरी पंडित बन जाता है और उनके मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। इसी तरह मुसलमानों में भी जो मालू हैं वहाँ के, जो या सैयद हैं, जो ऊंची जाति के, जो ब्राह्मणों के समकक्ष मुस्लिमों में समझे जाते हैं, उन्हीं के मुद्दे उठाए जाते हैं और ज़्यादातर उनके जो आंदोलन है उसके लीडर हेड वही हैं, सैयद या मालू हैं। वहाँ से जितने बड़े सूफी संत भी हुए तो करीब सारे के सारे सैयद ही हुए। जैसे मैं एग्जाम्पल सैयद हमदानी ही ले लें, जो सबसे बड़े संत समझे जाते हैं वो सैयद हैं, या जो सैयद अली गनी लोन, वो सैयद से शुरू ही होता है उनका टाइटल। तो वहाँ जो ग्रस्त लोग हैं, जो मीडियम कास्ट के लोग हैं, या शेख टाइटल लगाने वाले, जिन शेख अब्दुल्ला नहीं, जिनकी शेख टाइटल बाद में लगती है, नाम के बाद में जिनके शेख आते हैं, जिनको डोम या जो मेहतर जाति के हैं, सफाई कर्मचारी, तो वैसे मुस्लिम लोगों की बात कभी सामने नहीं। और ये जो गेज, मेल गेज है कश्मीरी लड़कियों के ऊपर, उसको मैं सख्त शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, ये गलत है। लड़कियाँ स्वतंत्र हैं, वो जिससे शादी करें, और लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस मुद्दे को इस तरह रखने ही बहुत गलत है कि आप स्वतंत्र हो गए कश्मीरी। अगर इस मुद्दे से फायदा हुआ है, जिस दृष्टिकोण से इसको रखना भी चाहिए, तो इस दृष्टिकोण से रखना चाहिए कि अब कश्मीरी लड़कियों को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई, ना कि बाहरी लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई। इस मुद्दे को इस तरह देखे जाने का मैं पक्ष पाती हूँ कि उन लड़कियों को पहले एक बाहरी व्यक्ति से, कश्मीरेतर आदमी से शादी करने के कारण उसको संपत्ति वगैरह मामले में विवाद खड़े किए जाते थे, उसको नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वो मिल पाएगी। तो ये एक मुद्दा हो सकता है, हालांकि ये भी बहस का मुद्दा है। जितना सरलीकृत ढंग से इस मुद्दे को देखा जा रहा है कि उनको स्वतंत्रता मिल गई, उतना सरलीकृत मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें जो संपत्ति के अधिकार कंट्रोल किए जाते हैं वो धर्म के अनुसार होते हैं, पर्सनल लॉ के अनुसार होते हैं। अगर एक हिंदू में, कश्मीर में हम लोग, कश्मीर का अर्थ मुस्लिम हम लोग लगा लेते हैं, सबसे बड़ा ये सरलीकृत धारणा है। कश्मीर में बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गुजर बकरवाल भी हैं, डोम जाति के भी लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। इसलिए जब हम लोग खड़ा करते हैं कश्मीरी महिला बोलते हैं, तो सिर्फ मुस्लिम कश्मीरी महिला हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सरलीकरण है, स्टीरियोटाइपिंग करना है, जो सख्त गलत है। वहाँ हिंदू जो पर्सनल लॉ अलग है, तो वहाँ संपत्ति के अधिकार देने में बाधा कोई 370 या कोई कानून नहीं था, खुद हिंदू पर्सनल लॉ है, जो कि अपनी, जिसको कहा जाता है कि उत्तराधिकार नहीं, वो तो पुत्राधिकार कानून है, जिसमें सिर्फ पुत्रों को अधिकार मिलते हैं। मुस्लिम कानून में भी स्त्रियों को बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते हैं, पुरुषों के मुकाबले में आधा हिस्सा दिया जाता है। इसलिए मामला 370 हटने का नहीं है, जो रिस्पेक्टिव पर्सनल कानून सुधारे जब तक ना जाए, तो इस तरह के सिगुफियों से कोई फायदा औरतों को नहीं होने जा रहा। कानून द्वारा ऐसे जो पर्सनल मुद्दे हैं, इसीलिए इसके कानून को भी पर्सनल कानून कहा जाता है, कभी तय नहीं होते। मैं उदाहरण स्वरूप, दहेज निरोधक कानून बहुत ही पहले बना, जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस टाइम की बात है। दहेज विरोधी कानून बनने की बात चल रही थी, बन भी गया था, लेकिन आज तक दहेज उसी धड़ल्ले से लिया जाता है। तो कानून बनने से ऐसे सामाजिक मुद्दों को आप कानून द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये एक सोसाइटल सामाजिक मुद्दा है, पितृसत्ता का मुद्दा है। जब तक पितृसत्ता नहीं खत्म होती, तो लाख आप कानून बना लें, 370 लागू कर दें, हटा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार मिलने नहीं जा रहा, मुख्य मुद्दा पितृसत्ता है। यहां पर भी 370 हटने से जो स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली है, वो रियल अर्थ में आजादी नहीं है, अपने ही शोषक को चुनने की आजादी आजादी नहीं होती है। जो बाहरी लोग हैं, अगर कोई
मीर की स्त्री आप फर्ज कीजिए कि एक बाहरी व्यक्ति से शादी करती है, तो उसको अपना कल्चर छोड़ के उसका कल्चर अपनाना पड़ेगा, जो एक किस्म का उस पर अत्याचारी है। तो जब तक पितृसत्ता खत्म नहीं होती, तो इस तरह के कदम आप गहराई से देखें तो स्त्रियों को बहुत हक में नहीं जाते। अगर वो एक बाहरी व्यक्ति से शादी करती है तो सबसे पहले उसको अपने कश्मीरी कल्चर को छोड़ना होगा सारा, क्योंकि पितृसत्ता कायम है। इसलिए इस तरह की स्वतंत्रता को जब तक पितृसत्ता है किस हद तक स्वतंत्रता माना जाए, ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न होना चाहिए। इसलिए मुख्य मुद्दे से भटका के इस तरह के बाहरी और छिछले मुद्दों को उठाना एक सिर्फ सिगुफेबाजी है मेरे अनुसार। अगर रियली कोई औरतों के मुद्दे से कंसर्न है तो उसका पहला प्रयास होना चाहिए कि पितृसत्तात्मक जो समाज है उसको ख़त्म करने के लिए जो कानून बनने चाहिए, सामाजिक सुधार होने चाहिए, उस पर ध्यान और फोकस करने की जरूरत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।